हेलो कृष्णा राधे राधे दोस्तों दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पे भक्ति माठो पे। दोस्तों आज मैं आपको ये वीडियो बताऊंगा कि बाल राधा रानी जी का सेवा कैसे करते हैं। दोस्तों बाल राधा रानी जी का सेवा का प्रोसेस वो कुछ अलग सा है, वो सेवा वह कैसे करते हैं वो बताऊंगा। दोस्तों जो बाल राधा रानी होती है वो उनका सेवा कुछ अलग तरीके से होता है जो मैंने बोला था। दोस्तों उनको एक मस्त चीज है कि उनको लड्डू गोपाल जी के पास रखिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी राधा रानी जिसे के साथ बैठने में प्रसन्न होते हैं, और लड्डू गोपाल जी राधा रानी जी का श्रृंगार अच्छे तरीके से सर्वाधिक और भी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए जितने अच्छे तरीके से आप राधा रानी जी की सेवा करोगे उतना ही खुश होंगे लड्डू गोपाल जी। दोस्तों और हाँ एक और बात जो कि मस्त है कि राधा रानी जी को कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। हाँ राधा रानी को कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। हाँ लड्डू गोपाल जी को कर सकते हो पर राधा रानी जी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाल राधा रानी जी को कुछ कपड़े से ढक कर स्नान कराना चाहिए या कोई भी कुछ इनर पहना कर स्नान कराना चाहिए, क्योंकि बाल राधा रानी है किशोरी है। दोस्तों और अब बात करते हैं राधा रानी जी के बाल के बारे में। दोस्तों अगर लोकल मार्केट में अगर आप पूछोगे कि बाल राधा रानी के बाल होंगे तो फिर वहाँ पर राधा रानी के बाल दे देंगे, और तो फिर दोस्तों उस बाल से कुछ कर्ली हेयर दे देंगे। अगर आपको चोटी बढ़ाने का मन करेगा तो फिर वहाँ पर आप कुछ चोटी बना दीजिए, पर हाँ इसमें एक प्रॉब्लम होगा कि थोड़ा लंबा हो जाएगा राधा रानी के साइज अनुसार। अगर बहुत छोटे साइज के हैं छोटे साइज के राधा रानी में अगर बड़े चोटी लग गया तो फिर ये वियर्ड लगेगा। और या तो आप लड्डू गोपाल जी के बाल भी पहना सकते हो, क्योंकि वो तो राधा रानी है। दोस्तों राधा रानी को घूंघट जरूर लगाना चाहिए, घूंघट लगाना तो ये तो ऑप्शनल है पर घूंघट लगाना तो ऑप्शनल है, पर हाँ अगर आप घूंघट लगा सकते हो तो फिर अच्छा हो। और एक और चीज़ दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि राधा रानी जी को खरीदने के लिए हमारे यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं होता, मतलब हमारे राधा रानी जी को जब खरीदते हैं वो हमारे मर्जी से नहीं होता। हाँ ये श्री जी की मर्जी से होता है। अगर श्री जी का मर्जी हो कि घर में आना तो फिर कुछ ऐसा होगा कि बाल राधा रानी आप खरीदेंगे। और या तो अगर लड्डू गोपाल जी का भी अगर मन होगा कि राधा रानी घर में आए तो फिर राधा रानी आ जाएगी। श्री जी का मन या तो ठाकुर जी का मन अगर होगा तो ही राधा रानी आ जाएगी, हमारे इच्छा से कुछ नहीं होगा। और दोस्तों लाडो की जो स्माइल होती है वो अपूर्व होती है। अगर वो मुस्कुराए तो फिर सोच समझ ही लेना कि वो हमसे प्रसन्न है। और हाँ एक और चीज़ समझिए, लाडो की जो स्माइल है मुस्कुराहट है वो अपूर्व है। आप उनकी स्माइल को देखकर ही एक तरीके का मेडिटेशन हो जाता है। उनका मुस्कुराहट देखकर हमारा मन शांत हो जाता है। और हाँ श्रृंगार में कुछ ऐसा होता है जैसे कि लाडो को कुछ पहनाओ बिंदी या कुछ गहने वगैरह तो फिर वो फेंक देती है। कुछ अगर आप देखें कि लाडो फेंक देती है इसका मतलब समझ जाइएगा कि लाडो को वो गहना पसंद नहीं है। फिर दोस्तों यही है बाल राधा रानी जी की सेवा। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि राधा रानी जी के अंदर एक इनर तो जरूर पहनाए रखे और फिर उसके ऊपर वस्त्र पहनाए। तो फिर दोस्तों तो यही थी राधा रानी की सेवा कि कैसे करते हैं कैसे नहीं। तो फिर अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि जिन जिन को राधा रानी आए हैं तो फिर उनकी सेवा कैसे करें वो पता चलने के लिए। तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे बहुत से वीडियोस मिलने के लिए।